टीवीएस अपाचे को 160 सीसी सेगमेंट का किंग कहा जाता है और टीवीएस अपाचे 160 सीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली और सबसे पॉपुलर बाइक है। आखिरकार इस बाइक के अंदर ऐसा क्या है जो इस बाइक को अपने सेगमेंट में किंग बनाती है? सबसे पहला चीज जो अपाचे को अपने सेगमेंट में किंग बनाती है वो है इंजन की क्वालिटी। इस प्राइस सेगमेंट में या फिर इस सीसी सेगमेंट में आप किसी भी बाइक की बात कर ले, उससे बेहतर इंजन की क्वालिटी आपको अपाचे 160 में देखने को मिलता है। चाहे आप 2V की बात कर ले, चाहे 4V की बात कर ले, पावर और पिकअप में ये लाजवाब बाइक है। रिलायबिलिटी के मामले में ये बहुत ही बेहतरीन बाइक है। इसके अंदर में ज्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आती है, सो रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है इंजन का। और इसके इंजन को इस तरह से ट्यून्ड किया गया है कि इसके पावर और पिकअप जो है वो बहुत ही बेहतर बन जाता है। टॉप स्पीड की बात कर ले या फिर इनिशियल पिकअप की बात कर ले, इंजन हर एक सिचुएशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके देती है कस्टमर्स को। 150-160 सीसी सेगमेंट के अंदर जो बायर्स रहते हैं वो कम सीसी के अंदर ज्यादा पावर डिमांड करते हैं और अपाचे 160 उन बायर्स के सारे डिमांड को पूरा भी करता है। इस वजह से वो अपने सेगमेंट का किंग माना जाता है। अपाचे 160 को अपने सेगमेंट का किंग बताने का एक और कारण यह है कि उसका लुक। अगर आप 160 RTR 2V का लुक की बात करें, हालांकि वो लुक थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लुक बहुत ज्यादा पसंद है और ये एवरग्रीन लुक है। अगर आप इस लुक को कंपेयर करें 4V से तो 4V के मुकाबले ये बहुत पुराना लगता है, लेकिन सेल्स नंबर में ये 4V से बहुत आगे निकल जाता है। एट द सेम टाइम अगर 4V की लुक की बात करें तो अपाचे 160 4V एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर है जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करता है, जो यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद आता है। 160 सीसी सेगमेंट में अपाचे सबसे ज्यादा बिकता है। इसका कारण एक ये भी है कि इसके फीचर्स, अगर आप 4V की बात कर ले तो 4V के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सेगमेंट लीडिंग है, यानी कि इस सेगमेंट में कोई भी बाइक आपको इस तरह के फीचर्स ऑफर नहीं करती है, जैसे कि वन टच स्टड या फिर फेदर टच स्टड, यानी कि एक बार अगर आप सेल्फ के बटन को दबाएंगे आपको थ्रॉटल को मूव करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में GTT टेक्नोलॉजी भी, ये एक सेगमेंट लीडिंग टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ आपको अपाचे 4V या फिर 2V में देखने को मिलता है। GTT टेक्नोलॉजी के मदद से आप डेली टू डेली ट्रैफिक में थ्रॉटल को ना घुमाए सिर्फ क्लच के मदद से ही आगे बढ़ सकते हैं और रुक सकते हैं। इस वजह से डेली टू डेली ट्रैफिक में आपके राइडिंग जो है बहुत ही इजियर हो जाता है। इनफैक्ट इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जैसे कि 4V की अगर आप बात कर ले तो उसके अंदर आपको टॉप स्पीड रिकॉर्डर, 0-60 जैसे बहुत सारे एडवांस फीचर भी उपलब्ध करवाए गए हैं जो सेगमेंट लीडिंग है। इंजन की क्वालिटी बेहतर होने के साथ साथ में अपाचे 160 4V में आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर ले तो वहां पर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इस वजह से एक एडवांटेज बन जाता है अपाचे 160 4V का। हालांकि 2V में आपको एयर कूल्ड इंजन ही मिलता है, लेकिन उस इंजन से भी या फिर उस बाइक से भी अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो वहां पर भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। और अगर आप ध्यान से मार्केट को नोटिस करें तो आपको ये पता चलेगा कि हर एक तरह के बायर्स जो हैं वो अपाचे को खरीदते हैं। अब तीन तरह के बायर्स हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। एक होता है स्टूडेंट, एक होता है यंगस्टर्स और एक होता है फैमिली मैन। स्टूडेंट इसे खरीदता है क्योंकि इसका लुक जो है वो बेहतर है, इनिशियल पिकअप बेहतर है, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। यंगस्टर्स इसे हैं क्योंकि ये गाड़ी कंफर्टेबल है, बजट फ्रेंडली है, साथ साथ में अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उतना कंफर्टेबल भी है। और फैमिली मैन इसे खरीद सकता है क्योंकि इसके पीछे अगर आप लेडीज को भी बिठा ले 162V में या फिर 4V में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका सीट कंफर्टेबल है और फैमिली मैन के लिए भी सूटेबल है। और BS6 अपग्रेड होने के बाद इसके माइलेज में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। इस वजह से फैमिली मैन या फिर डेली गोइंग ऑफिस बॉयज भी इस गाड़ी को परचेज करते हैं। इस वजह से इसका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाता है और हर एक तरह के बायर्स अगर खरीदते हैं तो इस वजह से इसका सेल्स नंबर भी इंक्रीज होता चला जाता है। एट द मोमेंट अगर आप 160 सीसी सेगमेंट में सबसे बेहतर बाइक ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से दो ही सबसे बेहतर और वैल्यू फॉर मनी बाइक है, वो है अपाचे 160 RTR 2V और अपाचे 160 4V। तो यही कुछ बड़े कारण थे जो 160 सीसी सेगमेंट में अपाचे को सबसे बेस्ट सेलिंग बाइक बनाती है। अगर आपके पास अपाचे है तो आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर या फिर इस पॉइंट्स को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। अगर चैनल में नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गाड़ी एंड कम्युनिटी के साथ में जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।